रिजल्ट तभी अच्छा होगा जब आप एक इम्पोर्टेड इम्प्लांट यूज करते हैं। तो जैसे ये उस इम्प्लांट का मॉडल है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाले हड्डी के ऊपर जो इम्प्लांट लगा है, वो काले रंग का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सिरामिक की कोटिंग है। तो सिरामिक की कोटिंग होने से ये स्मूथनेस बढ़ जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये इम्प्लांट कंपनी 30 साल तक चलने की गारंटी देती है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी स्मूथ रहे और क्विक रहे। तो अगर आपका नी रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी क्वालिटी का इम्प्लांट चूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंडियन इम्प्लांट्स भी आते हैं और बाहर के अमेरिकन और जर्मनी के इम्प्लांट्स भी आते हैं। तो ध्यान रखिए, रिजल्ट तभी अच्छा होगा जब आप एक इम्पोर्टेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। उसमें मैकेनिक्स अच्छी होती है, उनके कर्वेचर्स अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा लाइफ लंबे समय तक टिकते हैं। एक इम्प्लांट जैसे कि अलग अलग तरह के, हर कंपनीज के बहुत सारे तरह के इम्प्लांट आते हैं। एक जो सबसे अच्छा इम्प्लांट आता है उसको बोलते हैं ऑक्सिनियम। तो जैसे ये उस इम्प्लांट का मॉडल है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाले हड्डी के ऊपर जो इम्प्लांट लगा है, वो काले रंग का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सिरामिक की कोटिंग है। तो सिरामिक की कोटिंग होने से ये स्मूथनेस बढ़ जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये इम्प्लांट कंपनी 30 साल तक चलने की गारंटी देती है। इसी तरह से बाकी कंपनीज के भी अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स आते हैं। तो कुछ कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। स्मिथ एंड नेफ्यू लगवा सकते हैं, जिमर लगवा सकते हैं आप, स्ट्राइकर लगवा सकते हैं। उसके बाद जब आपकी सर्जरी हो चुकी है तो पहला दिन आपका बेड पे रहता है, क्योंकि सर्जरी जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिडुरल एनेस्थीसिया में होती है। उस एनेस्थीसिया में जब सर्जरी होती है तो सर उठाना मना होता है 24 आवर्स तक। तो एक दिन आप बेड पे लेटे रहते हैं और आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपको कब खाना रिज्यूम करना है, कब आप पानी पी सकते हैं। सर्जरी के एक दिन बाद आपके ये सब प्रिकॉशंस हट जाते हैं। उसके बाद आप चलने की कोशिश कर सकते हैं वॉकर के साथ। तो हम सिंपल एक्सरसाइजेस बताते हैं सर्जरी के अगले दिन, कि आप अपना कैसे घुटना मोड़ें, कैसा घुटना सीधा करें, कैसे आप बैठ के एक्सरसाइजेस करें, और आपको चलने की ट्रेनिंग दी जाती है वॉकर के साथ। आप वॉकर की मदद से सर्जरी के अगले दिन आराम से चल सकते हैं, अपने रूम में घूम सकते हैं, थोड़ा वार्ड का चक्कर लगा के आ सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइजेस भी हम इंक्रीज कर देते हैं। अब बात आती है एक्सरसाइजेस कितनी करनी है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी है आपको। आपको एक घंटा आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं करनी है नी रिप्लेसमेंट का, क्योंकि अगर आप इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो नी में स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, आपका दर्द बढ़ जाएगा, सूजन बढ़ जाएगी। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपको 5 या 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, पर आपको दिन में 5 या 6 बार एक्सरसाइज करनी है। छोटे ड्यूरेशन की एक्सरसाइज पर बार बार में करनी है। हर एक्सरसाइज के बाद आपको 10 मिनट का आइस पैक करना है। सिंपल एक्सरसाइजेस कीजिए, बहुत हार्ड कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिम्ब एलिवेशन, कि आपका जो पाँव है वो आपके हार्ट से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। तो जो आपका बेड है, बेड का जो फुट एंड है उसको हम रेस करके रखते हैं। हॉस्पिटल बेड अपना आप रेस जाता है, अगर आप घर में हैं तो आप अपने जो बेड का जो फुट एंड है उसके नीचे ईंट या पत्थर लगा सकते हैं ताकि वो एलिवेटेड रहे और आपको स्वेलिंग जल्दी ख़त्म हो जाए आपकी। अगर आप टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप अपने पैरों को सामने टेबल पर रखें ताकि आपकी स्वेलिंग ख़त्म हो। ज़्यादा देर पाँव लटका के बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको अपने पंजे हिलाते रहना है ताकि आपको स्वेलिंग नहीं आए। अगर आपको लगता है कि आज ज़्यादा चलना है तो आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का सहारा ले सकते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं दोनों पैरों के अंदर, जिससे आपकी स्वेलिंग कम आएगी। कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं दोस्तों ऑपरेशन के बाद, जैसे कि आपको ज़मीन पे चौकड़ी मार के और आलती पालती मार के नहीं बैठना है। अगर आप ज़मीन पे चौकड़ी मार के आलती पालती मार के बैठ रहे हैं तो आपका नी जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लंबी
देर तक चले, 20 साल चले, 25 साल चले, तो आपको ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठना अवॉइड करना है। दूसरा, रेगुलर वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने ऑपरेशन के बाद, तो आपका नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में दर्द भी पहले जल्दी ख़त्म होता है और लंबी भी चलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ बनाते रहें, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।